जिले के पूरा बाजार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत समाहा खुर्दपोष दर्शन नगर तहसील सदर परगना हवेली अवध थाना अयोध्या के नव निर्वाचित प्रधान रामावती यादव पत्नी सीताराम यादव इस बार के ग्राम पंचायत चुनाव में विजयी प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर 262 वोट पाकर के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामावती मौर्य पत्नी हृदय राम मौर्य को पछाड़ते हुए 122 वोटों से विजयी हुए हैं। आज ग्राम पंचायत चुनाव में बचे हुए प्रधानों का शपथ ग्रहण भी था, जिसमें सदस्य घनश्याम यादव सनोफ गेंदा प्रसाद यादव अरविंद मौर्य सनोफ जगदम्बा प्रसाद मौर्य अजय कुमार सनोफ दौदशी कनौजिया नासिर उल्लाह ऑफ अब्दुल अली आरती वाइफ ऑफ रामलाल मौर्य सुनीता कुमारी सन ऑफ मोहनलाल कनौजिया कांति वाइफ सुनील कुमार नीलम यादव वाइफ शिव कुमार तारावती सीडी वाइफ ऑफ आज्ञाराम धर्मवीर यादव सन ऑफ सीताराम यादव सीताराम यादव सन ऑफ स्वामीलाल यादव सभी 11 सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। इस बार के ग्राम पंचायत समाहाखुर्द में वहां की जनता ने एक ऐसे प्रत्याशी को अपना प्रधान बनाया है जो कि बहुत ही संघर्षशील ईमानदार कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी हैं। प्रधान जी का व्यक्तित्व जनता के प्रति देखने लायक होगा कि प्रधान जी अपना व्यक्तित्व कैसे जनता के सामने लाने वाले हैं। प्रधान जी से जनता को काफ़ी उम्मीदें भी हैं। प्रधान जी ने अपने निजी खर्चे से गांव की साफ सफाई नालों और नालियों की साफ सफाई तथा प्रधानमंत्री भरण पोषण योजना के तहत गरीबों को फ्री राशन भी दिला रहे हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। प्रधान जी का कहना है कि जून जुलाई अगस्त तीनों महीनों का राशन सरकार द्वारा फ्री कर दिया गया है और जनता को वो भी हम दिला रहे हैं। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता अयोध्या से सर्वेश कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया समाचार से सर्वेश कुमार। मैं आज समाहा खुर्द ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। आज यहाँ पे प्रधान जी का शपथ ग्रहण भी था। मौके पर हमारी टीम यहाँ पर पहुँची। शपथ ग्रहण जो भी यहाँ पर हुआ है उसका पूरा ब्यौरा लिया गया। उसके बाद अब प्रधान जी के पास आए हैं जो कि प्रधान जी के प्रतिनिधि हैं और उनके सुपुत्र धर्मवीर यादव जी के पास है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि प्रधान बनने के बाद इनके पास क्या क्या योजनाएं हैं। प्रधान जी बताइए, क्या नाम है आपका? कितने मतों से आप विजयी हुए हैं? 122 मिला के कितने मत आपको मिले? 122 कौन सा निकटतम प्रतिद्वंदी? क्या आपका संपर्क ग्राम हो गया? सभी सदस्यों का हुआ है, ग्राम प्रधान का भी हुआ है, हम भी ग्राम पंचायत सदस्य। आप ये बताइए आपके पास क्या योजनाएं हैं ग्रामवासियों के लिए? जो भी जब ग्राम सभा में होती है जैसे इंटरलॉकिंग वगैरह पंजाब हुआ, नाली हुआ और ग्राम पंचायत भवन नहीं है हमारे ग्राम सभा में। हमारा लक्ष्य है कि पंचायत भवन बने, 12 घर बने, आप श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ अपने सभी के अपने गांव के लोगों के पास कैसे पहुँचाने, क्या आपको श्रम विभाग की जानकारी है या नहीं? जानकारी है, कई लोगों का एप्लीकेशन भी लगवाए हैं, कई लोगों का कार्ड भी बना है, कई लोगों का उसका लाभ भी मिला है। हमारा खुद का श्रम विभाग का कार्ड बना हुआ है। ये जो लाभ है श्रम विभाग के तहत गांववासियों तक पहुँच रही है? नहीं, पहुँच रही है, बता नहीं रहे हैं। इसका लाभ कई लोगों को मिल चुका है जी, मौजूद है यहाँ पे कई लोग, उसका लाभ मिल चुका है। इससे आप नव निर्वाचित प्रधान हुए हैं, जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, जनता के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप शुभकामनाएं देंगे जनता? जनता को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, चुनाव में हमारी मदद किए, हमको ग्राम प्रधान बनाए, उस लायक समझे, हम उनके प्रति जान लीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद उनका। प्रधान जी ये बताइए, जो प्रधानमंत्री श्री राशन योजनाएं जो गरीब कल्याण योजनाएं के तहत मिल रही हैं, क्या ये सुविधाएं जनता तक पहुंच रही है या नहीं? नहीं, पूरी तरह से पहुंच रही है। हमारे जो ठेकेदार हैं पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, ये जनता से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, सबको राशन मिलता है, जो नहीं पहुंच रहा है उसको भी बुला के राशन देते हैं। कितनी बार राशन मिलता है फ्री वाला? फ्री वाला राशन तो एक ही बार मिलता था, शायद इस महीने में दोनों राशन फ्री।
सरकार के जून जुलाई अगस्त तीन महीने ये सुविधाएं कितने महीने तक हैं? ये जून जुलाई अगस्त तीन महीने ये पहले तो मई जून था, उसके बाद कुछ समय बढ़ाया गया तो महीने बढ़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।